में आप फैसला किए कुछ एंकर्स पे आपका गुस्सा था? मती भाई, मैं आपने मुझे मस्जिद नबी में भी देखा, जब मस्जिद नबी में आपके ऊपर गाली गलौज और आपकी माओं को गाली और आपके भाइयों और घर वालों को गाली, मैंने उस वक्त भी एक बड़ी खतरा परेशानी से तनकीद किया। उसके बाद आपने लंदन में देखा, ना मैं तनकीद से डरती हूँ, ना मैं, मुझे इन मामलों पर, मैंने 12 महीने सहाफ़ियों के तहफ़ुज़ के लिए मीडिया की डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन और आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून है, उसको इनकी शिकों में डाला, पूरा रीस्ट्रक्चर किया उस पूरे बिल को, मुशावरत की APNS, CPNE, PBA, अमेंड जितनी और PFUJ, इन सब के साथ मैंने मुशावरत करके पहले ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने इस बिल में काले कानून डाल दूँ, मैंने आप लोगों के साथ शोल्डर टू शोल्डर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जंग लड़ी, मेरी क़ियादत ने गला घोंटने, सेंसरशिप से ले लेकर उनकी आवाज़ बंदी तक, हमने वो जंग सड़कों के ऊपर लड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ी। आपको याद है जब PMDA आ रहा था, ये PMDA जो पिछली हुकूमत लेकर आ रही थी, मैंने वो धरने दिए हैं। तो मुझे, और फिर ये कि हेस्ट में कर रही है, मैं पता नहीं किसके कहने के ऊपर कर रही हूँ, मैं पता नहीं कौन सा काला कानून लेकर आ रही हूँ। देखें, मैं हमेशा मीडिया की, आइंदा जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैंने वर्कर्स के साथ, अभी हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कार्ड एक्सेस प्राइम मिनिस्टर ने करवाई, क्यों करवाई, क्योंकि मुझे पता है कि वर्कर किन परेशानियों से गुजरते। फिर इसमें मैंने डाला, आप ये देखें मती भाई, कि मैंने डाला कि जो ड्यूज़ हैं, अगर सैलरी जो है वर्कर की विद इन 2 मंथ्स नहीं होगी तो बिजनेस नहीं देगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप मैं सैलरी 2 महीने में दूंगी, उसमें उन्होंने कहा मैं लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी करती है, मैंने हकूक की खिलाफ वर्जी करती है। और फिर मैंने, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए चेयरमैन पेमरा की, मैंने कहा कि इस कानून के अंदर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट चेयरमैन और सारे इख्तियार चेयरमैन पेमरा से लेकर मैंने अथॉरिटी को दिए, अथॉरिटी के बाद इंडिपेंडेंट एडवर्टाइज काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को दिए, और उसके बाद मैंने वो नीचे कोर्ट तक अपील तक दे दी इन सबको। मतलब मेरी नियत और मैंने ये सारा काम करना होता, अगर काला कानून बनाना होता है ना, उसके लिए 12 महीने की मुशावरत नहीं चाहिए। देखिए, एतराज़ मैं नहीं समझती, मैं नहीं समझती एतराज़ है, उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने अपनी इनपुट दी है, और उस वैल्यूएबल इनपुट को अगर वो बेहतर है तो इस बिल का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। अगली दफ़ा आके ये बिल बनाऊंगी। अच्छा मैम, आपके चेहरे से महसूस हो रहा है कि किस दर्द से आपने ये बिल बनाया, तो ये तासर जो है वो आपका हमें पहुँच रहा है। नहीं भाई जावेद, आप लोग मेरे साथ इस बिल में, आपने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, मैं आपको एक एक स्टेज पर बताती रही, और ये बड़ा काम था। ये जो बिल जिस शक्ल में मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री थी, आप लोगों की मिनिमम वेज के मसाइल थे, और मैं, जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज़ नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में दी है, मेरा मसला ये, मेरे पास 2 दिन है, और 2 दिन के अंदर ये रिकंसिलिएशन और मशावरत इतनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इम्पोर्टेंट है मैं समझती हूँ, और इंशाल्लाह आके मैं बात आप लोगों के साथ, जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी कोर्ट लखपत के बाद, कभी हडियाला के बाद, कभी नैप कोर्ट के बाद, कभी अटक जेल के बाद वो जंग लड़ी अपनी क़ियादत के साथ, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो, उसकी नीयत के ऊपर इल्ज़ाम हो, उसकी स्पिरिट के ऊपर इल्ज़ाम हो, तो मैंने ये फैसला किया। इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स आ गई और वो अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड का हिस्सा है जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में किए। अब ये 2 दिन रह गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पहले कहा गया कि 2 दिन के अंदर ये पता नहीं क्यों किसके कहने पे काला कानून पास करा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी राय आ चुकी है, अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 2 दिन में ये अमेंडमेंट्स इसका हिस्सा बन सकती हैं। और पूरे, मैं कल प्रेस क्लब कराची गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी आप जबान बंदी और गला घोंट रही हैं साथियों, मतलब मेरे लिए ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि कोई मुझे मेरे आगे करे। तो इंशाल्लाह नई मैंडेट आएगा, नया पार्लियामेंट आएगी, इन तमाम आरा को जो इम्पोर्टेंट आरा है, ये वैल्यूबल इनपुट है, उनको इस बिल का हिस्सा बना के सेनेट पार्लियामान का हाईएस्ट फोरम है, वहाँ आके लोगों ने अपनी राय दी, अपनी इनपुट दिए बिल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इनमें वो लोग हैं जिन लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हामिद मीर साहब हैं, उसके लिए सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ दी हैं, गोलियाँ खाई हैं, और मैं उनकी राय को एतराज़ या मैं सबोटाज नहीं समझती, उनकी राय बेहतर आई है, उन राय को इंशाल्लाह शामिल करके वो अगली दफ़ा बिल बनाएंगे।